बेस अस्पताल का हालत भी यही है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप यहाँ प्रत्येक विभाग में जाएं, प्रत्येक काउंटर पे जाएं, कितनी वहाँ पर भीड़ है, कितने लोग वहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं, 100-100, 200-200 से कम नहीं दिखेंगे आपको। मैंने कहा ना कुमाऊं की राजधानी है, तो अल्मोड़ा से लोग यहाँ आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से लोग यहाँ आ रहे हैं, चंपावत से लोग यहाँ आ रहे हैं। देख सकते हैं सुश्रुता तिवारी में इस समय बिलिंग काउंटर पे इतनी भीड़ है। अभी डॉक्टर के वहाँ तो पता नहीं कितनी लंबी लाइन होगी, लेकिन ये देख सकते हैं इस समय पर्चा कटाने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर से मिलने के लिए मैडम कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, ज्यादा लग जाते हैं, उससे 3-4 भी घंटे लग जाते हैं कभी कभी। तो उसके बाद डॉक्टर कोई एग्जामिनेशन वगैरह के लिए नहीं देते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए या कोई सीटी स्कैन के लिए कोई, और उसके बाद फिर यहीं आओ, फिर लाइन में लगो, उसके बाद फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, इसलिए पहाड़ के जो पेशेंट होते हैं डॉक्टर उन्हें हल्द्वानी रेफर करते हैं। लेकिन हल्द्वानी में दो ही मेन सरकारी अस्पताल हैं, एक बेस हॉस्पिटल और एक सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। लेकिन बेस हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छी सुविधा ना होने के चलते ज़्यादातर लोग सुशीला तिवारी अस्पताल में आते हैं। जनसंख्या जैसे दिन पर दिन बढ़ रही है, उसके चलते सुशीला तिवारी अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ऐसे में यहाँ पर सूचना मिली है कि लोगों की शिकायत है कि और हॉस्पिटल यहाँ पर बनने चाहिए या फिर यहाँ पर अच्छी सुविधाएँ होनी चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम सुशीला तिवारी अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में मौजूद हैं इस वक्त, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे इस वक्त है। और ये ऐसा नहीं है कि आज का ही हाल है, रोज़ यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, रोज़ इतने मरीज आते हैं, उनको इतना समय लगता है दिखाने में, सुबह सुबह से घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। ऐसे में इसमें बात करते हैं कि लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं और आपको दिखाते हैं कि सुशीला तिवारी अस्पताल के क्या हालात हैं। लाइन में कब से लगे हुए हैं? लाइन पे मेरे को हो गया कम से कम आधा घंटा। जैसे कि इतनी भीड़ है यहाँ, रोज इतनी भीड़ रहती है? हाँ जी मैम, भीड़ रहती है। जैसे कि भीड़ ज्यादा है तो इसके चलते आपको क्या लगता है यहाँ पे काउंटर बढ़ाने चाहिए, स्टाफ की जो कमी है उसके बारे में आपका कहना है? मैडम ऐसा है, भीड़ को तो देखो सब कोई बहुत दूर से आ रहा है, गांव-गांव से आ रहे हैं, हम रानीखेत साइड से आए हैं, तो यहाँ पे इतनी भीड़ देख के तो पता नहीं कब तक नंबर आएगा, कब क्या होगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, है ना, काउंटर बढ़ाने चाहिए या स्टाफ ज़्यादा रखने चाहिए। हाँ जी, अब पर्चे के लिए अगर हमें इतनी लाइन लगानी पड़ेगी दिखाने के लिए, तो पता नहीं कितनी लाइन लगानी पड़ेगी फिर। लगभग अगर कोई पेशेंट लाइन में लगता है तो उसको कितने घंटे लग जाते हैं डॉक्टर से मिलने? डॉक्टर से मिलने के लिए मैडम कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा लग जाता है, उससे 3-4 भी घंटे लग जाते हैं कभी कभी। तो इतनी भीड़ से यहाँ निकलेगा तो फिर वहाँ भी भीड़ होगी डॉक्टर के पास भी, तो वहाँ भी खड़े होना रहना। अभी तो खाली पर्चे के लिए लाइन में लगे हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास भी लाइन में, यहाँ लाइन में लगेंगे तब जाके नंबर आएगा। ऐसे जैसे हल्द्वानी को कुमाऊं द्वार माना जाता है, पहाड़ों से भी लोग यहाँ रेफर होके आते हैं? काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं, मगर तब भी काउंटर बढ़ाना चाहिए इन लोगों ने। जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं सुशीला तिवारी में इतनी भीड़ है, रोज यही हाल रहते हैं यहाँ के? पता नहीं मैडम, मैं तो आज ही आई। आज आए, आप कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले आए हैं, इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे भीड़ इतनी है, आपको क्या लगता है यहाँ पे काउंटर की सेवा बढ़नी चाहिए या बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी लोग भी तो परेशान हो जाते हैं खड़े खड़े ना। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह। आप यहाँ जैसे लाइन में लगे हैं, अभी पर्ची के लिए लाइन में लगे हैं, आप कब से यहाँ पे खड़े हैं? यहाँ ये आधा घंटे से ऊपर हो गया है। आधे घंटे से ऊपर, एक घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक आपका पर्चा ही नहीं कटा है। पर्चा ही नहीं कट रहा है, यही तो बात है। उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलने के लिए जो लाइन में लगना पड़ेगा वो अलग है, वहाँ भी लाइन लगना है। इतनी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद भी? उसके बाद डॉक्टर कोई एग्जामिनेशन वगैरह के लिए देते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए या कोई सीटी स्कैन के लिए कोई, और उसके बाद फिर यहीं आओ, फिर लाइन में लगो, उसके बाद फिर रसीद कटेगी, रसीद कटने के बाद में फिर जाकर वहाँ जमा करना है। ऐसे में यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो कैसी है यहाँ की? स्वास्थ्य व्यवस्था तो ऐसे ही है, इतनी अच्छी तो है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर है ये सीनियर सिटीजन का है, यहाँ बिल भी कटते हैं, पर्चा भी बनता है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, ये जो लाइन है वो सीनियर सिटीजन वाली है? हाँ, सीनियर सिटीजन भी है, वो लिखा हुआ है ना वरिष्ठ नागरिक, उनकी है, स्टाफ वाले भी यहाँ आते हैं, और जो दिव्यांग लोग हैं उनका है ही। हल्द्वानी में जैसे गवर्नमेंट जो बड़े हॉस्पिटल है दो ही हैं, लेकिन बेस से ज़्यादा यहाँ पे सुविधा मानी जाती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। जी जी जी, हाँ सुविधा यहाँ ज़्यादा है लेकिन भीड़ ज़्यादा है, भीड़ इसमें जो पेशेंट होता है वो परेशान हो जाता है। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन वाला जो मैटर है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन का जो बिल कटता है वो अलग कटना चाहिए, दोनों इकट्ठा करने से एक वो बिल काटने में वहाँ बहुत काफ़ी टाइम लगता है, जिससे लोगों को काफ़ी टाइम लगता है, ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है। सीनियर सिटीजन में मीनस ऐसा हुआ 60 साल से ऊपर वाले कई लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं, तो मजबूरन फिर उसको उनको अपना हेल्पर लाना पड़ता है, वो यहाँ खड़ा रहेगा और उसको फिर साइड में बैठना पड़ेगा, तो इस हिसाब से जो है परेशानी है काफ़ी।
धन्यवाद। जैसे बिल काउंटर के ही ये हालात हैं या और जगह जैसे डॉक्टर को दिखाना हो गया, कोई रिपोर्ट टेस्ट करवानी हुई, वहाँ के भी यही हाल है? वहाँ का भी यही हाल है। इतनी लंबी लाइनें लगती हैं, उसके बाद जो है लोगों को नंबर आता है, उसके बाद डॉक्टर देखते हैं? हाँ, उसके बाद देखते हैं डॉक्टर। काफ़ी परेशानी इस समय देखनी पड़ रही है, जैसे काफ़ी भीड़ है। एक दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन रोज यही भीड़ है। रोज यही भीड़ है डेली। आप देख सकते हैं सुश्रुता तिवारी में, इसमें बिलिंग काउंटर पे इतनी भीड़ है। अभी डॉक्टर के वहाँ तो पता नहीं कितनी लंबी लाइन होगी, लेकिन ये देख सकते हैं इसमें पर्चा कटाने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और सुबह सुबह से, कितनी सुबह से ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, तब जाके इनका नंबर आ रहा है। उसके बाद है ये है कि यहाँ पे काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है, स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें देखते हैं यहाँ का लोगों का क्या कहना है। आप यहाँ लाइन में कब से लगे हुए? काफ़ी टाइम हो गया। जैसे बिलिंग के लिए अभी आप लगे हैं, अब इसके बाद तो डॉक्टर को दिखाना होगा, तो ऐसे में यहाँ पे जो है काउंटर की जो सुविधा है वो बढ़ानी चाहिए या ऐसे ही भीड़ हमेशा रहनी चाहिए? क्या बताइए आप, क्या नाम लेते हैं, टाइम तो लगता है, थक जाते हैं खड़े खड़े इंतजार करते करते। जैसे महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और ऐसी भीड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है कि स्वास्थ्य कैसा रहता है, लोगों के बीमार होने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और हाँ, ऐसा तो सही नहीं है, जल्दी टाइम आना चाहिए, कि बीमार हैं, दिल के भी परेशान हैं। नमस्कार सर, जैसे सुश्रुता तिवारी में इस वक्त काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं, तो इस बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग यहां पर आए और लोगों की जन समस्याएं आप लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 1996 में पंडित तिवारी जी ने ये हॉस्पिटल बनाया, और ये हॉस्पिटल डॉक्टर सुश्रुता तिवारी अस्पताल हल्द्वानी 6 जिलों का केंद्र है, उसके केंद्र बिंदु पर स्थित है। 1996 से लेकर आज तक हल्द्वानी, जब मैं कह रहा हूँ कि 6 जिलों का केंद्र है, यहाँ पर केवल 2 हॉस्पिटल हैं सरकारी, एक डॉक्टर सुश्रुता तिवारी हॉस्पिटल, एक बेस हॉस्पिटल। तो उसके बाद जनसंख्या बढ़ी, सरकार को चाहिए था कि जनसंख्या के आधार पर जब वृद्धि हुई तो नए अस्पतालों का निर्माण किया जाए। नए अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का निर्माण नहीं हो पाया, और प्राइवेट अस्पताल बहुत ज़्यादा हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाने की फीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तमाम लूट होती है, उसका कोई नियंत्रण नहीं सरकार का। उसके बाद जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जनसंख्या के आधार पर जब जनसंख्या बढ़ी तो अस्पताल भी बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, ग्राम प्रधान होने के नाते, मैं अपने गांव के लोगों को यहां पर लाता हूं। मुझे वास्तविकता से पता है कि यहां पर लोग कितने परेशान होते हैं। हमने सुबह 7 बजे यहां पर किसी को भेजा था, कैलाश जी को भेजा था, वो यहां पर आए, उन्होंने अपने पिताजी का पर्चा कटवाया, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से पर्चा कटवाने पर नंबर आता है। लोग सुबह 6 बजे से लाइन पर लग जाते हैं, उसके बाद काउंटर भी उतने हैं आपके पास, काउंटर भी नहीं बढ़े आपके, काउंटर भी उतने ही हैं और स्टाफ भी उतना ही है। स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, काउंटर भी बढ़ना चाहिए, हमारी सरकार से मांग है। हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि काउंटर भी बढ़ने चाहिए और स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है अस्पताल की बहुत ज़्यादा डिमांड है हल्द्वानी में। ये 6 जिलों का केंद्र है, जगह जगह से, चंपावत से लोग यहाँ आते हैं, पिथौरागढ़ से लोग यहाँ आते हैं, बागेश्वर से लोग यहाँ आते हैं, नैनीताल के दूरस्थ गाँव से लोग यहाँ पर आते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनका काम नहीं हो पाता है, वो लाइन पर लगे रहते हैं, तमाम तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी ये डिमांड है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसका विस्तार हो और नए अस्पताल निर्माण किए जाएँ। जैसे बेस अस्पताल है, या तो बेस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं दी जाए, जिसके चलते यहाँ के जो मरीज है थोड़े वहाँ जा सके, तो थोड़ा मरीजों की संख्या कम हो सके। नहीं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप बेस अस्पताल में भी जाएं। बेस अस्पताल का हालत भी यही है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप यहाँ प्रत्येक विभाग में जाएं, प्रत्येक काउंटर पर जाएं, कितनी वहाँ पर भीड़ है, कितने लोग वहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं, 100-100, 200-200 से कम नहीं दिखेंगे आपको। मैंने कहा ना, कुमाऊँ की राजधानी है, तो अल्मोड़ा से लोग यहाँ आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से लोग यहाँ आ रहे हैं, चंपावत से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कई दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इस कारण जो है अस्पताल बनाए जाएँ, और जो पहाड़ों में अस्पताल हैं, जैसे बागेश्वर में कोई अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पिथौरागढ़ में कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या फिर आपका नैनीताल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के अस्पतालों को भी सुविधाएँ दी जाएँ, ताकि लोग रेफर करके यहाँ ना आए। कल रात ही हमारे पास एक पेशेंट आए बागेश्वर से, उनको वहाँ से रेफर कर दिया, तो उनको यहाँ पर हमने एडमिट करवाया। तो दूर दूर से भी लोग आते हैं, तो उनको भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। अगर ये व्यवस्था उनको वहीं मिल जाए तो यहाँ क्यों आएगा आदमी? जैसे आए दिन खबरें भी आते रहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी सुविधा ना होने के, स्वास्थ्य की सुविधा ठीक ना होने के चलते उन्हें हल्द्वानी में रेफर किया जाता है। कितने लोगों की रास्ते में ही जान चली जाती है, क्योंकि वहाँ जो सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ, वो सही नहीं है। देखिए, इससे पहले भी मैं जिलाधिकारी महोदया से मिला, मैंने उनसे अनुरोध किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो। अब ओखलकांडा की बात करूँ, मैं अपने नैनीताल ज़िले की बात करूँ, ओखलकांडा में एकमात्र अस्पताल है, वो लगभग 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन केवल रेफर सेंटर है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। रेफर सेंटर है, न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा ही नहीं है, इस कारण लोग दूर दूर से यहाँ पर आने को मजबूर हो गए। अब वो दूर से तो आ रहे हैं, लेकिन उनका काम थोड़ी हो रहा है,
उनका काम नहीं हो रहा है, उनको लाइन पर लगे रहना पड़ रहा है, कई देर से जो है लाइन पर खड़े होते हैं, उसके बाद नंबर आता है और बड़ी मुश्किल से आप जहाँ भी देखेंगे बड़ी मुश्किल से उनका नंबर आता है, उसके बाद ट्रीटमेंट चलता है, फिर दोबारा आने के लिए लोगों के पास खर्चा नहीं होता है, तो कई सारे लोगों की तो जान चले जाती है रास्ते से आने में। पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जगह ऐसी है जहाँ सड़कें भी नहीं है, लोग पीठ पे कंडी डंडी के सहारे जो मरीजों को है वो सड़क तक लाते हैं, उसके बाद उनको अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब हल्द्वानी रेफर किया जाता है तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी अगर बेकार होंगी तो इसमें मरीजों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता को गुमराह कर दिया, जनता को जो है गुमराह कर दिया है, और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना हमारे विधायक वहां पर बोलने को तैयार हैं, ना सांसद बोलने को तैयार हैं, जब हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुने हैं अपना नेतृत्व करने के लिए वो तो सो गए, उनको कोई मतलब नहीं है सरकारी सुविधाओं से, इन व्यवस्थाओं से, वो केवल ये देख रहे हैं कि किस विभाग से कितना कमीशन हमको मिलेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ऐसे अगर ये प्रत्येक विभाग में आज यही हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए उस पर। अब विधायक जी आए ना यहाँ पर लाइन पर खड़े हो जाएं, जब क्षेत्र के विधायक लाइन पर खड़े होंगे जब यहाँ पर देखेंगे, उनके लिए तो व्यवस्थाएं हैं, उनको तो विदेश रेफर करने की भी व्यवस्था है, हम एक गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में कैसे इलाज कराएगा। विधायकों की तनख्वाह भी बढ़ा दी इन्होंने, वेतन भी बढ़ा दिया, और उनको इलाज के लिए विदेश भी भेज रहे हैं, उनका भी निःशुल्क जो उपचार होगा। तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जो धरातल पर जो गरीब जनता है, जो इस देश की मालिक है, जिसने इस देश को सींचा है, जो मेहनत मजदूरी करके इस देश को बनाने का काम किया, इस देश का निर्माण किया, उनका क्या होगा। यहाँ पर जितने भी आप लोग देखेंगे सारे गरीब लोग आते हैं, अमीर लोग तो अपना इलाज सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लेते, लेकिन गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी को भी ये सोचना चाहिए, चुनाव के समय भी ये सोचना चाहिए, और इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए आम नेताओं से कि आप हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, आप हमारी अन्य व्यवस्थाओं के लिए, शिक्षा की व्यवस्था, अन्य जो सुविधाएं हैं उनके लिए क्या करेंगे। ये आम जनता को सोचने का समय है, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बाहर तक भीड़ हो जाएगी और जो है इलाज नहीं मिल पाएगा लोगों को। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे हर साल यहाँ इलेक्शन होते हैं, मैनिफेस्टो में कई दावे किए जाते हैं कि इलाज जो सुविधाएं हैं वो बेहतर की जाएगी, लेकिन चुनाव के ख़त्म होते ही ये सब धरातल पे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम ऐसा है ना, दिखाई तो क्यों नहीं देता, लोग उस चीज़ पर पहले उनका मेन मुद्दा ये रहता है कि हमें वोट मिले, वोट मिलने तक ही सीमित रहता है, तब तक वो वादे करते हैं बहुत सारे, लेकिन होता नहीं वो चीज़ है। जब वोट चुनाव हो जाता है तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी देखें ना, हम हॉस्पिटल में आए, मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ, सुबह 7 बजे के आने के बाद 8 बजे लाइन पे यहाँ पे जो कर्मचारी है वो आता है, उसके बाद आधे घंटे बाद मेरा नंबर आता है, तो मैं उसके बाद भी फिर दूसरी जगह पर्चा लगाने जाता हूँ, फिर 2 बजे तक नंबर आता है हमारा। तो ऐसे चलता रहा तो हम लोगों को क्या कहते हैं, जो मरीज़ है उसको कब दिखाएंगे हम? एक दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन। हम लोग आए हैं यहाँ पर 150-200 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पर, ठीक है, हमें प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती है, पेशेंट को हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ रखेंगे, ना व्हील चेयर मिलता है, ना स्टूल मिलता है, ना कुछ मिलता है बैठने के लिए, कैसे बंदा कैसे रखेगा। जैसे सुविधाएं हैं जो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, और इतनी दूर दूर से लोग आते हैं इस चक्कर में कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं सही मिलेगी, मरीजों का सही से देखभाल होगी और उनको देखा जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, और ऐसे में नंबर आना भी मतलब जल्दी नंबर आता ही नहीं। अगर कोई बंदा किसी का अर्जेंट बीच में काम पड़ जाए तो उसको दूसरा बंदा लाना पड़ेगा, खड़ा करेगा अपनी जगह, तब जाके दूसरी जगह जाएगा वो काम करने के लिए। एकदम से काम अगर बीच में चले जाएगा तो लाइन पर दूसरा बंदा भी उसका काम भी है, वो भड़केगा, साफ सी बात है, भड़केगा नहीं। अब जैसे सुबह सुबह से कितने सारे मरीज जो सोचते हैं कि जल्दी नंबर आए, इसलिए कितनी सुबह से यहाँ पर लाइन जो है लगी रहती है। सुबह 7 बजे से लोग बाग 6 बजे से आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई नाश्ता नहीं कुछ नहीं, वो चीज़ें तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, हम नहीं समझ सकते उस चीज़ को, लेकिन जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो चीज़ तो प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो लाइन पर खड़े रहेगा, आधे बीमार तो वैसे पड़ जाता है, किसी के साथ कोई आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, ठीक है, वो चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए, और यहाँ के जो कर्मचारी उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि थोड़ा बहुत वो हेल्प करें उन लोगों की भी, और गवर्नमेंट से मैं इतना अनुरोध करूँगा कि प्रॉपर सुविधाएँ मिली। जैसे एक तरफ बेरोजगारी इतनी चल रही है, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ जो है उनकी कमी देखी जा रही है, तो ऐसे में अगर लोगों को जॉब मिलती है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो उनको लाना चाहिए, जिससे लोगों को जॉब भी मिलेगी, उनका रोजगार भी बढ़ेगा। हाँ, जो रिटायरमेंट हो जाता है उसको दोबारा जॉब मतलब आता थोड़ी आदमी कोई भी वो ऐसे वैसे चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या कम है, लेकिन पेशेंट की आए दिन संख्या बढ़ते जा रही है, तो ऐसे में नंबर जल्दी आ ही नहीं सकता, ऐसे में सरकार को ये करना पड़ेगा कि डॉक्टरों को जो नियुक्ति है वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। हाँ, बढ़ानी चाहिए। जब तक स्टाफ नहीं बढ़ेगा, जब तक डॉक्टर्स नहीं बढ़ेंगे, जब तक उनकी टीम नहीं बढ़ेगी, तब तक काम कैसे हो पाएगा। इसके लिए चाहिए कि स्टाफ की व्यवस्था की जाए।
आप देखेंगे अंदर भी देखेंगे, संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, मतलब इतना प्रेशर होता है उनके अंदर काम करने का बहुत ज़्यादा। स्टाफ बढ़े, स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर्स की डॉक्टरों का स्टाफ बढ़े, तब जाकर के कुछ समाधान हो सकता है। और इसके लिए सरकारों को निर्णय लेना चाहिए, सरकार जो है बहरी हो गई है, सरकार को अपने कान खोलने चाहिए। लोकतंत्र में फिर मैं बार बार यही कहता हूँ कि जनता मालिक है और जनता जो है यहाँ पर आ करके सुबह से 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से लाइन पर खड़े होकर के मुश्किल से उसका 2 बजे 3 बजे नंबर आता है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि आपने यहाँ के लोगों की समस्या सुनी और देखा यहाँ पे कितनी भीड़ है, सुबह के वक्त इतनी भीड़ है, लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे काउंटर कम है जिसके लिए बिलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ती है। वहीं यहाँ पे डॉक्टर भी जो हैं लिमिटेड हैं, डॉक्टर लिमिटेड होने के कारण पेशेंट जो है ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ उतनी सुविधाएँ नहीं है, इसलिए लोगों को सुशीला तिवारी में ही आना पड़ता है। और गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मजबूरन सुशीला तिवारी में आना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई थी। और ऐसे में मरीज को और बीमार होने के ज़्यादा खतरा रहता है, यहाँ तक कि जो मरीज के साथ आया है उनके भी बीमार होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। यहाँ पे देखा ही होगा आपने हमारे विजुअल्स में कि कैसे भीड़ लगी हुई थी। ऐसे में मरीजों का कहना है कि यहाँ पे काउंटर्स जो है बढ़ाने चाहिए, डॉक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट होने चाहिए, स्टाफ को बढ़ाना चाहिए। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।